आज टाइम से उठ गए हैं तो 7:30 बज रहे हैं अभी। तो ठंडा मौसम है, फटाफट चलेंगे पहले अभी बीच पर, उसके बाद नहा धो के फिर आना है, फिर हमें शायद से जाना है मीना बाज़ार। तो आज का वहाँ का प्रोग्राम है, तो मुंह धो के बस अभी बीच पे जाके नहाएंगे, इंजॉय करेंगे। ठीक है, पापा नहीं जा रहे, पापा भी रहेंगे, रेस्ट करेंगे, मैं और अंकल जा रहे हैं। बिना स्लीपर्स के जा रहा हूँ, मेरी स्लीपर्स अंकल के पास है क्योंकि उनके स्लीपर्स नहीं थी। दिल के बहुत बड़े हैं यार अपने, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंगे पैर घूम लेंगे। बहुत सही पानी, मतलब धूप तो ऊपर लग रही है लेकिन पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, मज़ा आ रहा है। यहाँ पर पिछली बार भी आया था, वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा सा डर लग रहा था यार, भीड़ भी थी, ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा ऊपर था और वेव्स आ रही थी। आज वेव्स नहीं है और सही है पानी, लेकिन ठंडा आज भी है। सामने ही एक यहाँ पर उन्होंने वो बना रखा है, गलते हैं उसको रोलर कोस्टर टाइप जो पानी का होता है, नाम भूल गया क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत सुंदर बना रखा है इन्होंने सब। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने यहाँ बीच में एक लाइन डाल रखी है, वहाँ से आप पार नहीं कर सकते हो, जो आपको पीछे दिख रही होगी। पानी बहुत अच्छा है, ठंडा है और साफ़ तो नहीं बोलूँगा, ग्रीन ग्रीन हो रहा है, लेकिन वीडियो में से सही दिख रहा होगा। जिनको स्विमिंग आती है वो वहाँ उस लाइन तक जा सकते, देखो लोग जा रहे हैं, से एक ये है, एक उधर और था, वो रहा, ये जा सकते हैं स्विमिंग करते करते वहाँ तक। यहाँ पर बस पैर बड़े गंदे हो जाते हैं पानी से निकलने के बाद। ये स्वीट वाटर जिनसे ये पैर उगते हैं, भाई मैं तो नहा धो के सही हो गया हूँ, बिल्कुल मज़ा आ गया यहाँ पर नहा के बड़ा, लेकिन आँखों में चुभता पानी है, बहुत ज़्यादा चुभता है। तो स्विमिंग स्विमिंग तो नहीं करता मैं, लेकिन आँखों में चला गया पानी, समझ लो फिर 10-15 मिनट के लिए आप अंधे हो, अंधे बिल्कुल, चुभता रहेगा, आँखें बंद करके रखे रहो जब तक सही नहीं होगा। तो अंकल तो फ़ोन पर लगे पड़े हैं, ना उन्होंने स्विमिंग करी ना वो पानी में घुसे, तो बस वो बैठे और बैठे बैठे सो गए। अब वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपनी फ़ोन पे बात निपटा के फिर आ जाएंगे रूम पर। पापा और एक साथ सोते हैं तो दोनों का रूम तो अलग ही है, मैं जाता हूँ अपने रूम में, अब प्रॉपर अच्छे से नहा ले, फिर नहा धो के रेडी होते हैं, फिर आज मार्केट भी जाना है, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, परफ्यूम्स चॉकलेट्स ये सब मंगा रखा है दोस्तों ने, तो उनके लिए लाना भी है, तो चलो चलते हैं। ये जगह ना सिर्फ रात को नहीं, सुबह भी बड़ी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर है सुबह के लिए भी, साउथ का हीरो लग रहा हूँ पता है। ये देखो धोती होती पहन के, अरे टॉवल है लेकिन लग वैसे ही रहा हूँ जैसे साउथ का हीरो होता है, तंगावली। मेरे इसका लॉक ख़राब है, फिंगरप्रिंट भी, और इसका ये पासवर्ड मुझे पता नहीं है, तो चाबी लगती है नीचे से, ये घुमाई जाएगी, घूम गई, ये रूम ओपन। मैं तो रेडी हो गया हूँ और अब तक कोई भी रेडी नहीं हुआ है, पापा शायद से अभी तक स्विमिंग पूल के साइड में बैठे हुए हैं, अंकल बाहर फ़ोन पे बात करने चले गए, अभी रूम में आए थे। मैं तो भाई मस्त रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ अब, लेकिन भूख लग रही है, बाहर जाता हूँ सुपर मार्केट, देखता हूँ शायद से कुछ खाने को मिल जाए या फिर मैकडी से कुछ ना कुछ ले आऊँगा। मैकडी से लाने के बाद पूछता हूँ पहले सबने क्या खाना है, उसके बाद जाना है अपनों को शॉपिंग करने, पहले जब लेकिन सब रेडी हो जाए तब। ये है कच्चा बादाम जो पापा ने मुझे बताया, मुझे खाना नहीं आता था तो मैंने ऐसे ही ऊपर से खा लिया, एक्चुअली इसको कैसे खाते हैं बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन जो मैंने खाया ना बड़ा कड़वा, बड़ा कड़वा, बाद में मुझे पता चला एक्चुअली करते क्या है, इसको बीच में से खोलते हैं, इसके जो बीच के अंदर होता है वो बादाम, वो टेस्टी है।
देखो अभी भी शेल दिख रहा है, इसको निकालना पड़ेगा और उसके नीचे हमें बादाम मिलेगा। दिस इज द बादाम। पहले मैं ये खा रहा था, वो सुनो इतना गंदा क्यों लग रहा है, जबकि ये खाते नहीं है। बेड भी साफ रखना पड़ता है क्योंकि इधर ही सोना है, थोड़ा सा क्लीन रखो। वैसे क्लीनिंग वाले आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आदत है ना घर में भी बेड साफ करके सोना है, तो इसलिए अच्छी आदत है ऐसे है। ब्रेकअप लगेगा तो भी नहीं टूट जाएगा, इसकी लाइट कितनी जाएगी? 10 पीस वाला भी है कुछ? 10 नहीं यार, 75 हाफ के जी, हाफ के जी कर देना वो वाला भी। मीना बाजार, ये सारी चॉकलेट्स लॉक करके क्या? इसे लॉक मिलता है इसका देख। हाँ लॉक चाहिए। टेस्ट अच्छा है इसका? मैंगो पपाया एवरग्रीन मैंगो। कितने कितने का पड़ेगा ये? 2 भरी है जी। साहब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मीना बाज़ार गए थे लेकिन पूरा घूम भी नहीं पाए, मुश्किल से हम 1 किलोमीटर गए, शॉपिंग करी थोड़ी 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 की, मतलब ये ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स लिए थोड़े दोस्तों के लिए और वापस आ गए, क्योंकि एक तो हमारा कैश भी ख़त्म हो गया था और दूसरा हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो घर आए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे डिनर करने। डिनर करने के बाद कल या परसों जाएंगे शायद से मीना बाज़ार दोबारा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5 किलोमीटर है, तो ईज़िली है, टैक्सी करेंगे जाएंगे। और सोच तो बहुत कुछ रखा है लेने के लिए, लेकिन टाइम देखेंगे क्योंकि उसके बाद शायद से सैटरडे की फ़्लाइट आज वेडनेसडे है, तो अभी तो थक गया हूँ, चेंज करूँगा, मुँह हाथ धो के खाना खाने जाएंगे पहले, और उसके बाद देखते हैं कहीं शायद से और प्लान बन जाए। कल का प्लान तो डेजर्ट सफारी का है, कन्फर्म है, बुकिंग नहीं हुई, बुकिंग करनी है अभी, तो बुकिंग करने के बाद कन्फर्म होगा कि जाना है या नहीं जाना। चलो कल का तो कल पता चलेगा, लेकिन अभी चलते डिनर करने और रेस्ट करता हूँ पहले। तो अंकल ने रात को बीच पे बुला लिया, उनको पता नहीं कौन सी परफ्यूम अच्छी लगी, तो अभी भूख लग रही थी, सोचा था पहले कुछ खाऊंगा, लेकिन अब उन्होंने बीच पे बुलाया तो जाना पड़ रहा है फ्रेगनेंस उगाने के लिए, कि हाँ भाई सूंघ के बता कैसा है, अच्छा है तो ले लेते हैं, जबकि कैश नहीं है, पता नहीं उनके पास पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, तो चलो एक बार जाके देख रहे हैं, फिर फ्रेगनेंस अच्छी लगी तो ले लेंगे। मैंने अपना रूम चेंज कर लिया है क्योंकि मेरा रूम हो रहा था गंदा, प्लस वहाँ का एसी नहीं चल रहा था क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे एसी में, तो इसलिए वहाँ घुटन हो रही थी मुझे, तो मैंने रूम चेंज करवाया है। पहले मेरा था 407, अब है मेरा 106, हाँ 106 राइट। तो यहाँ एसी चल रहा है, चिल्ड है बिल्कुल, और रूम भी अच्छा है, ये बिल्कुल पापा का सेम डिक्टो रूम है, मेरा सिंगल बेड मतलब सेपरेट था, इसमें जॉइंट बेड है, आप देख सकते हो जैसे ये देख रहे होगे, तो मेरे पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से मैं सोऊंगा पूरे बेड पे आराम से। अब तो मैं सोता हूँ, सुबह पापा को जाना है तो इसलिए मैं पहले टेक्स्ट कर दूंगा ताकि पापा को दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो मेरे रूम की बेल बजा रहे हो और उनको लगे मैं सो रहा हूँ, तो लेकिन पता चल जाए कि हाँ मैसेज से कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उस रूम में दूसरे रूम में हूँ। अभी मैं उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ मैसेज कर देता हूँ। चलो मैं उनको मैसेज करता हूँ। और इस रूम में दो डिफरेंस है, एक तो बेड का जो मैंने आपको बताया, दूसरा मेरे रूम में डिजिटल नहीं है, मेरे में दूसरा है जो क्लॉकवाइज, जैसे मतलब क्या बोलते हैं पंखे का होता गोल घुमाने का, वैसा है।